डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी यानी कि भूगोल की परीक्षा होने वाली है, वो भी एमसीक्यू बेस पे यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और साथ साथ में आपको क्वेश्चन आंसर विथ पीडीएफ सहित आपको पूरा मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है, मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है, तो आपको बताना है। सही जवाब इन अवसरों में से थार होगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान जो है वो थार बोला जाता है, उसको का नंबर सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पुरानी और सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां पाई जाती हैं, तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें पुरानी और सुव्यवस्थित यानी कि परफेक्ट नगर में बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका थार क्षेत्र में सबसे पुरानी सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब थार क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते। थार बार बार आ रहा है तो देख लीजिए थार रेगिस्तान के बारे में। तो थार रेगिस्तान का मतलब ये होता है कि भारतीय उप महाद्वीप पर रेतीली, क्या भारतीय उप महाद्वीप पर रेतीली पहाड़ियों का शुष्क क्षेत्र है। यह राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भारत और सर्वाधिक रूप से पंजाब और सिंध प्रांत में पूर्वी पाकिस्तान रेगिस्तान लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय उप महाद्वीप पर रेतीली पहाड़ियों का शुष्क क्षेत्र है थार, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवास का मुख्य कारण है, तो इनमें से भारत में प्रवास का जो मुख्य कारण है वो आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य एवं रोजगार, प्रवास का प्रमुख कारण है कार्य एवं रोजगार। अगला, निम्नलिखित में से कौन मानवीय बस्तियों का प्रतिमान नहीं है, तो इन ऑप्शनों में से मानवीय बस्तियों का जो प्रतिमान नहीं है वो एक है, ठीक है, उसका नाम है पुरवा। सही जवाब इसका हो जाएगा घ नंबर। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो इन ऑप्शनों में से जिस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है उस देश का नाम बताना। सही जवाब इसका बताइए, घनत्व का बात हो रहा है, ठीक है, चलिए बताइए कौन से देश का सबसे ज़्यादा घनत्व, मतलब कि घनत्व ज़्यादा है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, चलिए बताइए जिन जिन छात्रों को मालूम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास में प्रमुख है, तो एक बहुत ही बड़ा प्रमुख प्रवास है जो कि ग्रामीण और शहरी में यानी कि शहर दोनों में प्रमुख है, तो ध्यान रखेंगे वो है रोजगार यानी कि शिक्षा रोजगार। तो हर जगह रोजगार सबसे प्रायोरिटी पे आता है, सबसे पहले पे आता है, और भारत देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों में प्रमुख है, ठीक है, नौकरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इन अवसरों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो है सांस्कृतिक दायरे। सही जवाब का होगा पुरवा होते हैं क्या, तो ध्यान रखेंगे जो पुरवा होते हैं ये 8 से 10 परिवार की बस्ती को हम पुरवा बोलते हैं, का नंबर सही जवाब। अगला कि सांस्कृतिक भू दृश्य से क्या आशा है, तो सांस्कृतिक भू दृश्य से आशा यानी कि मतलब है, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित भू दृश्य से है। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में किस प्रकार की कृषि होती है, तो वहाँ पर होती है आदिम कृषि, सही जवाब गा होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न आप सभी के लिए ये भी है, ग्रामीण से शहरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे का नंबर सही जवाब होगा। अगला, कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है इन अवसरों में से, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है भारत में, क्योंकि करंट समय में 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। 2023 से पहले चाइना यानी चीन था, लेकिन अब भारत है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है किस क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो मैदानों में रहते हैं लोग, ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या मैदानों में रहती है, मैदान का मतलब ये हो कि जहाँ पर भूमि बराबर हो, ठीक, पर्वत ना हो, रेगिस्तान ना हो, पठार ना हो, पहाड़ी इलाका ना हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैदान मतलब कि एक लेवल की ज़मीन है, एक लेवल का जहाँ स्थान है वहाँ लोग रहते हैं।
मैदान का मतलब ये नहीं कि घर ही नहीं तो ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो जिस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है उसका नाम बताना है। तो सही जवाब इसका अगर आपको मालूम तो ज़रूर बताएं, सही जवाब इसका हो जाएगा खा नंबर अफ्रीका की। अगला कि ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कौन से विद्वान ने? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मेटजन ने प्रतिपादित किया, गा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 21वीं सदी में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 6 अरब, खा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर क्या है, मतलब बढ़ने की दर क्या है? तो 1.2% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है भारत देश में, मैंने विश्व में, ठीक है, दुनिया भर में। अगला क्वेश्चन है कि दर सबसे अधिक आबादी वाले देशों में विश्व की आबादी है, मतलब कि सबसे अधिक आबादी वाले देशों में विश्व की आबादी कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखेंगे 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में विश्व की आबादी जो है 60% है, खा नंबर सही जवाब होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। तो एक तथ्य जो वो सही नहीं है, पहला तो ये तो सही है कि पिछले 500 वर्षों के दौरान मानव जनसंख्या 10 गुना और उससे अधिक बढ़ी है, हर साल दुनिया की आबादी के लगभग 80 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में 100 साल लग गए हैं, जिसमें से गलत है वो यही है कि जनसंख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, यही गलत है, बाकी सब सही हैं। अगला है कि वेस्ट इंडीज में भारतीय प्रवासियों ने काम किया है किस प्रकार का? तो वेस्ट इंडीज में भारतीय प्रवासियों ने जो काम किया है वो किस प्रकार का था? तो वो था, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है वो है वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने का। अगला कि भारत से मध्य पूर्व में प्रवास का कारण क्या था? तो भारत से मध्य पूर्व में प्रवास का जो कारण था वो था तेल में वृद्धि, सही जवाब गा होगा। अगला कि किस धारा में महिला प्रवास सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक है, धारा में महिला प्रवास सबसे अधिक है। अगला कि सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में किन पड़ोसी देश में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में जिन पड़ोसी देश में आते हैं उस पड़ोसी देश का नाम है बांग्लादेश, खा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है भारत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो है कार्य और रोजगार, इसकी समस्या बहुत ही ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि सही जवाब गाफिलेट कर देंगे, अगला कि जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका का नंबर संकुल। अगला कि ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर? तो ग्रैंड बैंक जो स्थित है वो अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, का नंबर सही जवाब होगा। अगला है का नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया कृषि को लाडांग कहा जाता है कहाँ पर? तो कृषि को लाडांग कहा जाता है मलेशिया में, कहाँ पर? मलेशिया में, खा नंबर सही जवाब होगा। काफ़ी का पौधा है कौन सा इन ऑप्शनों में से? तो काफ़ी जो आप लोग पीते हैं उसका जो पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा का नंबर, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न ये भी है। अगला है कि मेक्सिको किस सांस्कृतिक क्षेत्र में है? तो ये है लैटिन अमेरिका में, सही जवाब खा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? तो ये की जाती है गंगा के जलोढ़ मैदानों में, इसलिए सही जवाब का होगा। अगला प्रश्न है कि तटों के किनारे में कौन से अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है, मतलब कि नदी के या फिर किसी का भी जो किनारा रहता है, नदी का भी हो या फिर समुद्र का हो, उसके किनारे कौन से अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे वो प्रतिरूप पाया जाता है, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खा नंबर रैखिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? रैखिक। अगला कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होती हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खा नंबर रैखिक, ओके। अगला कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सबसे ग्रामीण बस्तियों में हावी हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है प्राथमिक, सही जवाब इसका हो जाएगा प्राथमिक प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों में हामी है, सही हावी है, का नंबर सही जवाब। अगला है कि प्रवास के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रवास के बारे में एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, वो यही है कि पुरुषों
की तुलना में महिलाएं अधिक दूरी तय करती हैं, यही एक जो है वो ऑप्शन जो है आपका दो ठीक है, वो कथन सही नहीं है, यही गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। अगला है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उत्प्रवास कहलाता है, सही जवाब का होगा। अगला है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवासन क्या कहलाता है, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवासन जो है कहलाता है अंतर महाद्वीपीय, का नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन क्या कहलाता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है अंतर्देशीय, सही जवाब इसका का होगा। अगला है कि बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं, तो बाहर से यानी किसी दूसरे देश से आने वाले को अप्रवासी कहते हैं, ठीक है, खा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि प्रतिदिन कारखाने में आना जाना क्या कहलाता है, तो प्रतिदिन अगर आप किसी फैक्ट्री कारखाने में जा रहे हैं तो कहलाता है दैनिक प्रवास। अगला कि ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर किसकी विशेषता है, तो ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर जिसकी विशेषता है वो है जनाधिक्य, सही जवाब का होगा। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत मतलब कि आने को उम्मीद कमी, इसलिए इसको इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है हम लोग। अगला कि नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पदानुक्रम। अगला कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में है, तो भारत जिस अवस्था में है वो है द्वितीय, सही जवाब खा हो जाएगा। अगला है कि किसने सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया, कौन से विद्वान ने, तो इस प्रमुख विद्वान का नाम है मालथस, सही जवाब गा नंबर होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि संगठन के अंतर्गत एक स्वस्थ वातावरण स्थापित करने के लिए, ठीक है, ओक्टा पेस शब्द की अभिव्यक्ति किसने की है, तो उस प्रमुख विद्वान का नाम बताना है, तो सही जवाब बताइए कमेंट में मालूम है तो। विद्वान का नाम है परेश तथा राव, सही जवाब का नंबर होगा। अगला कि मानव संसाधन विकास प्रबंधकों के भीतर निम्न में से कौन से गुणों का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो उपर्युक्त में से सभी होगा सही जवाब। मानव संसाधन विकास प्रबंधकों के भीतर इनमें से कौन सा गुण का होना आवश्यक नहीं है, तो इसमें से अगर कोई भी गुण नहीं होंगे तभी चल जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा घ नंबर उपर्युक्त में से सभी। अगला एक निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास की चुनौतियों में शामिल नहीं है, तो एक जो वो शामिल नहीं है वो है उपर्युक्त में से सभी। अब उपर्युक्त सभी सभी का मतलब ये हो गया कि ना तो भूमंडलीय प्रभाव शामिल है, ना लागत प्रतियोगिता शामिल है, ना संक्रमण संस्कृति की समस्या शामिल है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया एक सही है वो है उपर्युक्त में से सभी यानी कि घ नंबर। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में शहरों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब कौन सा राज्य जिसमें शहर सबसे ज़्यादा हैं, अगर अभी तक आपको नहीं मालूम था तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहर हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी प्रदेशों में। अगला है कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ है, तो वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर जिस युग में हुआ है उस युग का नाम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, टर्सियरी युग में, ठीक है, टर्सियरी युग में आगमन सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है, तो इनमें से जो मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत एक नहीं है वो है नौ माल्थस सिद्धांत, सही जवाब घ नंबर होगा। अगला है कि अधिवास भूगोल के अध्ययन में आनुवंशिक उपागम के प्रेषक थे, ये बात कौन से विद्वान ने कही है, ये कही है माइत्रेयन ने, सही जवाब का नंबर होगा। नगर प्रदेश की विशेषता क्या है, तो नगर प्रदेश की विशेषता है कि संकेंद्रित विकास, संकेंद्रित विकास घ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा, तो सड़क के किनारे स्थित अधिवास का जो प्रतिरूप होगा इन ऑप्शनों में से वो होगा बताइए, वो होगा रेखीय प्रतिरूप, सही जवाब खा नंबर। अगला कि निम्न में से कौन अधिवास का प्रकार है, तो इसमें से जो अधिवास का प्रकार है वो प्रकीर्ण है, खा नंबर सही जवाब। अगला कि भारत में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बनाई गई थी पंचायत स्तर पर, सही जवाब का नंबर होगा। अगला कि भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं, ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहाड़ी प्रदेश में। अगला कि अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्न में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये होता है तारा आकृति, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा तारा आकृति प्रतिरूप का निर्माण होता है। अस्थिर बसाव किन लोगों का होता है, तो अस्थिर जो बसेरा है बसाव है
वो होता है पशु चारी देहातियों का। सही जवाब इसका घ नंबर होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार के आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। करीब करीब मैंने आपको 60-70 क्वेश्चन बताए हैं, इनकी पूरी PDF चाहिए विथ आंसर सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस स्टोरी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।